नमस्कार सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पराली जो स्टबल बर्निंग है उसके क्या विकल्प हैं, उसके क्या ऑल्टरनेटिव हैं। और अगर हम बात करें दूसरे देशों की, जैसे कि चीन है, फिलीपींस है, वियतनाम है, जापान है, वहां अगर हम बात करें तो वहां पर क्या सोल्यूशन है स्टबल बर्निंग के, और किस तरह के ऑल्टरनेटिव वहां अपनाए जाते हैं। चाइना में भारत से ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा, लेकिन बावजूद इसके वहां किस तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं, किस तरह के सोल्यूशन है स्टबल बर्निंग को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम स्वागत करते हैं अनुमिता राय चौधरी, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुमिता इस चर्चा में। धन्यवाद। तो जितनी भी अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में और इंडो गैंजेटिक पूरे बेल्ट पर अगर हम बात करें तो पोल्यूशन दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है और आसपास के इलाकों में भी। अब इस एयर पोल्यूशन के समाधान को देखते हुए हम ये कहते हैं कि स्टबल बर्निंग नहीं करनी चाहिए, राइस पैडी स्टबल जो है पराली उसे नहीं जलाना चाहिए, लेकिन किसान हम देखते हैं कि आसपास बहुत सारी खेतों में जो है पराली चलाई जाती है। तो इसके सोल्यूशंस क्या है, क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है पराली का, स्टबल का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, अगर हम आप हमारे दर्शकों को ये बताएं और हम जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह से राइस पैडी की जो स्टबल होती है, पैडी स्टबल है, उसका सही इस्तेमाल हो सके, उसे जला के वातावरण में धुआं ना फैलाया जाए, प्रदूषण ना फैलाया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताएं कि स्टबल क्या होता है, पराली होती क्या है, और भारत के किन किन इलाकों में ज्यादा देखा जाता है ये विंटर के मौसम में इनका चलना। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है और एक एपिसोडिक समस्या है कि ये साल भर नहीं होता। ये जब किसान अपना जो सब फसल बदलते हैं तब जो जो कटौती होती है तो उसके बाद ही ये जो है पराली, ये जलती है। पराली है क्या? अब देखिए, जो जब हम हार्वेस्ट करते हैं, जो जो पुराना जो फसल है उसको हम काटते हैं, तो अभी मेकनाइजेशन के कारण, क्योंकि अभी मशीन का इस्तेमाल होता है फसल को काटने के लिए, तो अभी जो हम काटते हैं, काटने के बाद जमीन पर जो फसल का जो बच जाता है वो 6 से 7 इंच तक होता है, जिसको हम स्टबल कहते हैं। वो पूरा फसल हम जड़ से नहीं कटता, और ये एक समस्या है कि पहले जब हम हाथ से काटते थे तब एकदम जड़ से काटते थे, पर वो मैनुअल लेबर के से को लगाकर ये काटा जाता था। पर अब मैनुअल लेबर को हटाकर जब ये मशीनें आ गई, तो मशीन जब से हम जब काटते हैं तो ये छोटा सा ये एक स्टबल जमीन पर रह जाता है। अब सवाल है, तो इसी को हम पराली कहते हैं, पर अब सवाल है कि अब जब नया फसल हम बोएंगे तब उस वक्त हमें ये जो जो स्टबल है, जो पराली जो रह जाता है जमीन पर, उसको तो हमें साफ करना ही पड़ेगा, और ये साफ करने के लिए ही पराली को जलाया जाता है। अब सवाल है, हम जलाते क्यों हैं इसको, और इतने बड़े पैमाने से क्यों ये जलता है पंजाब में? अब ये थोड़ा, अब क्योंकि अगर आप देखें कि पैडी, जैसे आप कह रहे थे पैडी की, तो हम और भी जगह भी पैडी होती है तो जलाया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि जलते नहीं है। अगर आप पूरी, आप बाकी देश तो भूल ही जाए, अगर हमारे हमारे अगर इंडिया का ही अगर हम तस्वीर लें, सैटेलाइट की तस्वीर लें, तो आपको दिखेगा कि इंडिया में भी बाकी काफी इलाके हैं जहां पर ये स्टबल जलता है, पर वहां पे जो स्केल है जलने का वो उतना ज्यादा नहीं है जितना पंजाब में है। और उसका भी एक कारण है, क्योंकि पंजाब में अगर आपको पता होगा कि वहां पर एक और बड़ी पर्यावरण की समस्या है, वो है जो ग्राउंड वाटर है। जो ग्राउंड वाटर वहां पे उसको बहुत सीमित है और वो तेजी से वो कम होता जा रहा है, और यही कारण है कि सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार के तरफ से एक नई कानून उन्होंने नया कानून उन्होंने लागू किया है। और ये कानून है कि आप जो इरिगेशन है आप जून के महीने के पहले आप ना करें, ताकि जून तक मानसून आ जाएगी और उसके बाद और करीबन उसी वक्त आप पैडी को आप लगाएं और उसकी जो सिंचाई होती है उस वक्त आप करें।
पर इससे जो होता है कि जो समय किसान को मिलता है, क्योंकि वैसे तो वो शायद अप्रैल मई में ही वो बो देते हैं, पर अगर वो अप्रैल मई में पैटी को नहीं लगा पा रहे और उनको वेट करना पड़ रहा है जून तक, और तब जो होता है कि जो अब तक नवंबर पे आके जब उनको ये कटाई करके साफ करना पड़ता है, तो उनके पास बहुत कम समय बचता है, क्योंकि उसके बाद जमीन को साफ करके फिर सर्दियों के समय जो 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 नया फसल होगा उसको लगाना पड़ता है उनको। और यही है कि उनके पास समय भी कम और साफ भी करना है, तो सबसे आसान उपाय यही होता है कि वो स्टबल को जला देते हैं। तो ये बात को हमें समझनी होगी कि वहां पे इतना क्यों जलाया जाता है। अब इसका समाधान जरूर है, क्योंकि अगर इतना कॉन्सेंट्रेटेड वे से ये अगर जलेगा तो स्वाभाविक है कि इस जो और उस समय अब जाड़े के समय ये होता है, तब और जब मौसम काफी बिगड़ जाती है, तो उस समय अगर आप जलाएंगे तो जो प्रदूषण होगा पूरी रीजियन में, तो वो इतना बढ़ जाता है। तो अब समाधान तो जरूर है, अब बात है कि ये समाधान को हम किस तरीके से और किस स्केल पे हम इसको लागू करें, समस्या वहीं पर आ रही है अभी। जी तो अगर अभी हम समाधान को जरा समझें कि क्या हमें उपाय पता है कि स्टबल बर्निंग को या पराली जलाना हम किस तरीके से बंद करें, तो हाँ जरूर पता है, और ये सरकार के नियमों पर भी में भी आ चुके हैं। अब ये दो तरीके से हम इसको बंद कर सकते हैं। एक तरीका है जो किसान अपने जमीन पर ही क्या करे, तो एक तरीका यह है कि सरकार के तरफ से अभी सब्सिडाइज मशीन्स दिए जा रहे हैं, और यह मशीन का यही फायदा है कि वो पराली को अलग से काट के ना हटाए, पर जब वो जो नई जो फसल लगती है, जब वो मिट्टी की कटाई होती है जो नए जी फसल के, उस वक्त पराली को वो मिट्टी के साथ ही मिला दे, ताकि वो एक मल्चिंग, उसका एक खाद बन जाता है। तो आप उसको निकाल के उसको फिर आप जला नहीं रहे, पर मशीन के साथ आप उस पराली को मिट्टी के साथ आप मिला रहे हैं। अब ये जो मशीनें हैं, ये पंजाब में, हरियाणा में अभी पहले जब शुरुआत हुई थी, और अगर आप देखें तो मशीनें तो काफी आ चुकी हैं, पर जो हो रहा है कि समय पर हर किसान के पास ये मशीन पहुंच नहीं रहा, और मशीन के जिस तरीके इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि हर किसान जो मार्जिनल है, जो गरीब है, जो गरीब किसान है, सब किसान के पास एकदम समय पर तुरंत इस मशीन का उपलब्ध करवाना, ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है अभी, और ये नहीं हो पा रहा। इसीलिए इसका ये एक मुख्य कारण है कि जो किसान वो वेट नहीं कर सकते और उनके पास मशीन उपलब्ध नहीं है, वो फिर इसको जला देते हैं। पर एक और समाधान भी है, जहां पर अभी सरकार के तरफ से काफी हद तक गौर किया जा रहा है, वो है कि ये जो पराली है इसको आप इकट्ठा करें, आप जो जो जमीन से आप ये लाएं और इंडस्ट्री तक पहुंचा दें। अब एनसीआर में जो इंडस्ट्रीज हैं, आपको याद होगा शायद, जो एयर तरफ से इंडस्ट्रीज को कहा गया है कि वो अभी जितना जल्दी हो सके कोयले से निकले, ताकि वहां वो भी प्रदूषण कम करने के लिए, और वो या तो कोयले से निकल के नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें, और नहीं तो ये बायोमास, वो उससे थोड़ा कम पोल्यूशन होता है, अगर आप उसको एमिशन कंट्रोल सिस्टम के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। अब हम कुछ सालों में देख रहे हैं कि ये बायोमास का जो इस्तेमाल इंडस्ट्री में हो रहा है एनसीआर में, वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो ये जो इंडस्ट्री, ये इसी स्टबल को वो लाके उसे पेलेट्स बनाते हैं, और पेलेट बना के वो ईंधन बन जाता है। एक जी और स्थान है जहाँ पे ये बायोमास से वो इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन कर रहे हैं, जहाँ पे पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं कि वो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाए। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम बढ़ोतरी देते हैं तो फिर स्टबल का एक इकोनॉमिक वैल्यू बनता है, तो उससे जो होता है, जो फार्मर्स, जो किसान है, वो फिर अपना स्टबल को बेच सकते हैं मार्केट पे, और अगर ये हो तो इससे उनको फायदा है। अगर फायदा होगा तो किसान उसको जलाएंगे नहीं। अब सवाल सिर्फ जी
यही है कि समाधान तो हमें सब पता है, फिर ये क्यों पराली जल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, जो इंसिटू समाधान था, जो जहां पे हम कह रहे थे कि मशीन दीजिए, आप समय पर दीजिए, तुरंत दीजिए किसानों को, उस सिस्टम को हम बनाना बहुत जरूरी है कि पंचायत लेवल पे हम ऐसा एक नियम बनाए ताकि हर किसान तक ये मशीन पहुंचे, ताकि वो दांत जलाकर वो स्टबल को वो मिट्टी के साथ मिलाएं। और जो दूसरी जो हमने अभी समाधान की बात की है, हमने जहां पर हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूज और पराली को बढ़ाएं, और उसके लिए भी सरकार और प्राइवेट सेक्टर की एक योगदान बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ स्टबल को हम ला तो सकते हैं इंडस्ट्री तक, पर पहुंचाए कैसे। तो हर फार्म में आपको फिर वो स्टबल का स्टोरेज का उपाय बनाना होगा, वो उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा, और स्टबल तो इतना फैला हुआ एक चीज है, उसको अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो वो बेलिंग मशीन की जरूरत होती है, ताकि उसको आप बांध कर आप ट्रकों पर लगा लेके ले जाए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक जरूरत है पूरी स्टेट में, उसको बनाना भी बहुत जरूरी है। और एक तीसरा समाधान भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा और सरकार की तरफ से भी जिसके बारे में चर्चा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पंजाब में अब पैडी के ऊपर जो निर्भरता बनी है उसको ही कम कर दे। क्योंकि देखिए पंजाब में ट्रेडिशनली पंजाब पैडी ग्रोइंग एरिया ट्रेडिशनली नहीं था, क्योंकि जो पंजाब एक सूखा जगह है और पैडी के लिए आपको बहुत पानी की जरूरत होती है। तो पर अभी क्योंकि हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए जो सिस्टम अभी लागू है, वहाँ पर पैडी के लिए हम सपोर्ट प्राइस देते हैं, और यही कारण है कि ये एक किसानों को इनकरेज करता है कि वो और भी पैडी का वो कल्टीवेशन करें। तो वो अब कहा जा रहा है कि आपको अगर किसानों को पैडी से हटाना है तो आपको जो लोकल और भी फसल वहाँ पे ट्रेडिशनली ग्रो होते हैं, जैसे मिलेट्स हैं, जो ये सब ये सारे जो फसल हैं, इनके लिए भी आप सपोर्ट प्राइस दें, ताकि किसानों का जो निर्भरता पैडी पर हो रहा है आप उसको कम करें। तो ये सारे समाधान हैं हमारे सामने अभी। अब बात है कि आप कितने स्केल पर और कितनी जल्दी आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। जी आपने कई बातें बताई, समाधान बताए, सॉल्यूशंस बताए कि किस तरह से हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है जिससे कि जो राइस पैडी स्टबल है वो ना चले और प्रदूषण ना फैले। उसके दिशा में आपने वेस्ट टू वेल्थ की भी बात की कि उससे ईंधन भी बनाया जा सकता है, उसका भी विकल्प है हमारे पास। तो हमारा जिस तरह की हम देखते हैं खबरें कि दूसरे देशों के साथ या उन दूसरे देश किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में किस तरह की टेक्नोलॉजी विदेशों से आ सकती है जिससे कि इसे फ्यूल में या गैस में बदला जा सके या इसका बायोफ्यूल बनाया जा सके। देखिए समाधान के जो तरीके हैं ये हर जगह एक ही है, ये कुछ बदलता नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आज एक जो विकासशील देश है, जैसे आप यूएस, जैसे कैलिफोर्निया, तो आप चौंकते रहेंगे कि कैलिफोर्निया में भी फसल जलते हैं, जो स्टबल्स जलते हैं और बड़े बड़े फार्म यार्ड्स हैं, पर वहाँ पे क्योंकि उनकी प्रदूषण की मात्रा इतनी कम है, पर वहाँ पे भी इनकरेज किया जाता है कि आप ना जलाएं, पर फिर भी उतना उनका प्रेशर नहीं होता कि एकदम बिल्कुल ही ना जलाएं, क्योंकि वहाँ पे समुद्र की हवा है, वहाँ पे खुला जगह है, वहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स हैं, इसके छोटे छोटे फार्म्स नहीं है। पर वहाँ पे एक और तरीका वो मान के चलते हैं कि ठीक है आप जलाइए, पर आपको हर दिन आपको बताया जाएगा कि मीटरोलॉजी ऑफिस के तरफ से कि हवा की दिशा किस तरफ है, हवा की गति और हवा की दिशा। अगर वो समुन्दर के तरफ है तो उस दिन आप जला सकते हैं। तो ये एक दूसरी तरह, ये एक और तरीका है वहां पर जहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है आप जलाइए, पर उस दिन जलाइए जहाँ पे हवा वो जहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा है उस तरफ ये धुआं ना आए। तो और जो बाकी देशों में इसी तरीके के तरीके अपनाए गए हैं जिसके बारे में मैंने अभी यहाँ पे कहा, और पर जैसे मैंने कहा कि हमारे देश में भी बाकी जगह पर भी जल रहे हैं, पर वहाँ पर भी धीरे धीरे से शुरुआत हो रही है। जो समाधान पंजाब में हम ला रहे हैं
उसको धीरे धीरे हम बाकी जगह पे भी लेके जा रहे हैं। तो पर बात यही है कि जो ये समस्या है इसके बारे में हम इतना चर्चा करते हैं इस वक्त ये जाड़े के समय जब मौसम में काफी बदलाव आता है शहर में या रीजियन में, नॉर्दर्न इंडिया में कोई हवा नहीं है, हवा बिल्कुल थम गई है, प्रदूषण को उड़ाने के लिए कुछ हवा नहीं है, तो उस वक्त पराली जलती है उसका असर प्रदूषण के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। पर हम इस बात पे उतना ध्यान नहीं देते जब गर्मियों के समय भी पराली जलती है पंजाब में, क्योंकि उस समय मौसम में काफी क्योंकि तब हवा की गति बहुत तेज होती है, नेचुरल वेंटिलेशन जो हम कहते हैं वो भी काफी एफिशिएंट होती है, उतना कॉन्सेंट्रेटेड इम्पैक्ट हम नहीं देखते, तो उस वक्त कोई इस बारे में चर्चा भी नहीं करता। पर ये इसी वक्त हम इतना इसके ऊपर हम गौर करते हैं क्योंकि ये प्रदूषण का जो अभी जो विंटर पोल्यूशन का जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो यही अब मान के हमें चलना होगा कि किस तरीके से समस्या को हम खत्म करें। समाधान है, सरकार की तरफ से नियम भी बन चुके हैं और ये जो समाधान है उसके लिए सब्सिडी और फंडिंग सपोर्ट भी आ रही है, पर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को मिलके जो योजना ऐसा बनाए कि ताकि एकदम हर किसान तक ये समाधान पहुंचे। अगर वो नहीं हो पाता तो कुछ ना कुछ तो जलेगा ही, और अगर जलेगा तो पर्यावरण भी खराब होगी।